हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस सेंटर में। इस वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर आपको बताएंगे कि सारा आंसर आपको कहाँ पे मिलेगा, एक लिस्ट में, ठीक है, जहाँ से जा करके आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे आप सभी को। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारा है BBMQ सेमेस्टर 4 जिनका सेशन 22 से 26 है, ठीक है। ये स्थिति जिनका हिंदी है, ठीक है, उन लोगों को पढ़ना प्रयोजन मूलक हिंदी एवं पत्र लेखन, दो ही चीज़, प्रयोजन मूलक हिंदी एवं पत्र लेखन, जो आपकी आपका टोटल मार्क्स होने वाला है 50 मार्क्स का, ठीक है। इसका इंटरनल एक भी एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्टली फाइनल एग्जाम होगा 50 मार्क्स का। क्वेश्चन कैसा रहेगा, तो एक एक नंबर का 5 क्वेश्चन रहेगा और 15 नंबर का 3 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। एक एक मार्क्स का 5 क्वेश्चन, तो 5 मार्क्स का हो गया, बच्चा कितना 45 मार्क्स का, ठीक है। तो 15 का आपका रहेगा 3 क्वेश्चन, ठीक है, टोटल रहेगा 5 क्वेश्चन, लेकिन उनमें से कोई 3 क्वेश्चन बनाना है 15 मार्क्स का, तो 15 × 3 = 45 और उधर आपका 5 हो गया, 50 मार्क्स का टोटल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पहले सिलेबस देख लेते हैं फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे। प्रयोजन मूलक हिंदी सामान्य परिचय, सबसे पहले आपको प्रयोजन मूलक हिंदी का सामान्य परिचय पढ़ना है, जैसे टिप्पण या तो टिप्पणी भी इसको बोलते हैं, प्रारूपण, ज्ञापन, प्रतिवेदन, ठीक है। नेक्स्ट है मीडिया लेखन, मीडिया लेखन के अंतर्गत आपको पढ़ना है संपादकीय, संपादक के नाम पत्र, और नेक्स्ट आपको पढ़ना है रिपोर्ट लेखन। ये आपका यूनिट नंबर 1 में हो गया, ठीक है, इतना कुछ पढ़ना है आपको। यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना पत्र लेखन। पत्र लेखन दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र लेखन, अनौपचारिक पत्र लेखन। हम सब पर वीडियो बना दिए हैं, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जा करके वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। औपचारिक पत्र पर आ सकता है, अनौपचारिक पत्र पर आ सकता है, या तो फिर निबंध लेखन पर आ सकता है। मैंने एक ये भी तरीका बता दिया कि किसी भी चीज़ पर निबंध आ जाए तो आपको आंसर कैसे करना है, सारा वीडियो ऑलरेडी मैंने करवा रखा है, जाकर के आप लोग देख लीजिए दोस्तों। अब इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मत समझिएगा कि दो ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। प्रयोजन मूलक हिंदी से आप क्या समझते हैं, टिप्पण के बारे में भी आपको पढ़ लेना, प्रारूपण के बारे में भी पढ़ना है, ज्ञापन के बारे में भी पढ़ना है, प्रतिवेदन के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है, संपादक के नाम पत्र पढ़ना है, रिपोर्ट लेखन आपको पढ़ के जाना है, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, निबंध लेखन, सब पढ़ के जाना है। ये सब पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, सीधे जाकर के आंसर करो, ठीक है, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दोस्तों। इसी प्रकार के वीडियो और पाने के लिए आप चैनल से जुड़े रहें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।